नमस्कार। आज की कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है राग बागेश्री और बड़ा ख्याल। अभी तक आपने स्वरमालिका और छोटा ख्याल सीखा, अब हम बड़ा ख्याल करते हैं। बड़ा ख्याल करने से ये फ़ायदा होता है, ये लाभ होता है आपको कि इसमें, क्योंकि ये विलंबित लय में गाया जाता है। विलंबित लय यानी जो ताल की जो स्पीड है वो बहुत स्लो होती है। जैसे कि मैंने आपको भैरव राग का जब बड़ा ख्याल करवाया था तब मैंने आपको बताया था कि इसको जो कैसे इसको करते हैं, कि जैसे हम नंबर जैसे कुछ काउंट कर रहे हैं 1 2 3, इस तरह से अगर काउंटिंग हो रही है 1 2 या 1 2 3 4, ऐसे काउंट हम कर रहे हैं, स्पीड ताल की स्पीड को ऐसे रख रहे हैं जैसे हम द्रुत ख्याल में करते हैं। लेकिन विलंबित ख्याल में क्या होता है, 1 और 2 के बीच में 1 2 का फासला होता है। जैसे 1 1 2 2 1 2, ये सब मैंने आपको पहले भी समझाया था। तो बड़ा ख्याल इसलिए अगर आप गाते हैं तो आपका जो स्वरों का जो पक्कापन स्वरों में और आ सकता है आपका, जितना आप प्रयास करेंगे उतना स्वर पकते चले जाएंगे। दूसरा ये है कि जो बड़ा ख्याल आज हम सीखेंगे वो एक ताल में है। अब तक आपको पता होगा कि एक ताल में 12 मात्राएँ होती हैं और ये शुरू हो रहा है 9वीं मात्रा से और अंतरा भी 9वीं मात्रा से शुरू है। तो आप शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस राग का आरोह अवरोह गा लेंगे, फिर हम आकार में आलाप कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आरोह अवरोह गा लेते हैं। सा नि ध नि तो ये था आकार में छोटा सा आलाप। अब हम बड़ा ख्याल शुरू करते हैं।
स्थाई जो कि नौवीं मात्रा से शुरू हुआ था, एक ताल में है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। अब इसका अंतरा जो है वो भी नौवीं मात्रा से शुरू है, कर लेते हैं एक बार। ते इस तरह से गा के आप इसके बाद अगर इसमें आलाप करना है तो आठ मात्रा में आप इसका आलाप कर सकते हैं, और जो ग्यारहवां मात्रा और बारहवें मात्रा से आप उसको दुगुन करके जिसका स्थाई है दुगुन में ला के उसको फिर सम पे ला सकते हैं। देखिए कैसे इस तरह से, मतलब जो आप नौवीं मात्रा से जो आप विलंबित ख्याल शुरू कर रहे हैं उसको आप डबल करके जब करेंगे तो चार मात्रा को दो मात्रा में लेना है। तो जब आप इसका आलाप करेंगे या इसका ताने वगैरह करते हैं तो आठ मात्रा का अगर लेना है तो फिर आपको ग्यारहवें और बारहवें मात्रा में दो मात्रा में उसको मोहे मना को आपको लेना है और फिर इस तरह से सम पे आना है।
एक बार और देख लो, मो हे मना। तो ना पे सम है तो दूसरी मात्रा से आप आलाप शुरू कर सकते हैं। तो दो, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इस तरह से भी, मतलब दस मात्रा में भी आलाप को ख़त्म कर सकते हैं। या फिर अगर आप दूसरी मात्रा में रुकते हैं, ना ऐसे भी शुरू कर सकते हैं, ए वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, मतलब एट मात्रा में भी कर सकते हैं, नाइन मात्रा में भी आलाप को आप छोटा छोटा आलाप गा के इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आप ताने भी कर सकते हैं। ताने कैसे करेंगे आप? तानों को भी आप आठ मात्रा में कर सकते हैं, जैसे सागा माधनी सनी धमग, सागा माधनी सरे सनी सनी धमग मगरे सा, सागा माधनी सा, इससे आठ मात्रा की तान आप सागा मगा, सागा माधा मगा, सागा माधा नी धमग, सागा माधा नी सा नी धमग मगरे सा, सागा माधा नी सा 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 सारे सानी धनी सानी धनी धम धम ग मगरे सान, सागा माधा नी सा, सागा माधा नी सा, सागा माधा नी सा। तो इस तरह से आप तानों को बना के और आठ मात्रा में उसको आप गा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बड़ा ख्याल आपका ठीक होना चाहिए। मुझे उम्मीद है आज की कक्षा का जो विषय है राग बागेश्री और बड़ा ख्याल, ये आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।